ओके, तो इस वीडियो पे चलिए हम बात कर लेते हैं. और नॉट जस्ट अ वीडियो है ना, तो इट्स गोइंग टू बी अ फुल वीडियो सीरीज अबाउट दिस एचए टेक्निक्स, हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक्स. तो आपका जो सीसीएनपी का कोर्स मटेरियल है उसके अंदर हाई अवेलेबिलिटी की बात की जाती है. सॉरी, हाई अवेलेबिलिटी, राइट. तो सीसीएनए में अगर आपने देखा हो मेरा कॉन्टेंट, जो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसमें बहुत अच्छे से कवर किया है हमने, है ना. तो लेकिन वहां पे सिर्फ हमने एचएसआरपी को, आई गेस लैब थी क्या उसमें, लैब थी पर हमें पता नहीं कि हम कितना कर पा, मुझे नहीं ध्यान है, मैंने नहीं काफी टाइम से देखा है. तो लेकिन मुझे इतना जरूर ध्यान है कि मैंने काफी अच्छे से उसमें हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक्स के नाम से नहीं था, वहां पे आपकी गेटवे रिडंडेंसी आई थिंक इस तरह के कुछ नाम से था ना. तो यहाँ पे ऑफिशियली इसके बहुत आगे तक काफी सारी चीजें, अगर आप इसमें देखोगे ना, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर एफएचआरपी. हाँ, अब मुझे याद आ रहा है, वहां पे एफएचआरपी के नाम से था, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल्स. यहाँ पे सिर्फ एफएचआरपी ही एक नहीं है हाई अवेलेबिलिटी की, जब आप बात करते हैं तो कई सारी और टेक्निक्स हैं. तो जैसे मैं अगर आपको कंटेंट दिखाऊं यहाँ पे, तो शुरू हम करेंगे एफएचआरपी से. अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, मेरा पेन हमेशा गायब हो जाता है जब मैं रिकॉर्ड करने लगता हूँ, तब मुझे याद आता है कि हाँ यार पेन भी तो चाहिए था. तो पेन हमारा है यहाँ पे. अच्छा, हमें ये नहीं चाहिए, अपने को आना है कहाँ पे, इसको हटा दो अगर मैं यहाँ से, ठीक है. चलो, तो फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल एफएचआरपी रहेगा अपने पास, और ये सारी बातें हम करेंगे उसमें कि क्या है हाई अवेलेबिलिटी और डिफॉल्ट गेटवे प्रोटेक्शन क्या है, रिडंडेंसी, गेटवे रिडंडेंसी, है ना. तो सब एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे हम जानने वाले हैं इसमें. उसके बाद फिर जो सिस्को का प्रोप्राइटरी मैकेनिज्म है, जो प्रोटोकॉल है आपकी एचएसआरपी, तो काफी सारी चीजें उसके बारे में जो डिस्कस करने वाले हैं. ऐसे ही हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, आपके वीआरआरपी के बारे में, जो आपकी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो आपकी ओपन सोर्स है, ठीक है. तो सीसीएनए में हमने ये सब बात नहीं की थी. तो वीआरआरपी के बारे में रहने वाला है, जीएलबीपी के बारे में रहने वाला है, लैब रहने वाली है इसमें. अब यहाँ पे अगर आप बात देखोगे कि बाकी जो आपकी हाई अवेलेबिलिटी की टेक्निक्स है, सब जो फर्स्ट वीडियो है ना, पहली वीडियो है, उसमें हम यही क्लियर करेंगे कि आखिर ये बला क्या है, आपकी हाई अवेलेबिलिटी बोलते ही किसको है, ठीक है. तो तब समझ आएगी ये बातें कि हाँ यार अब इसके लिए हम क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं. तो गेटवे रिडंडेंसी के लिए एफएचआरपी की तीन प्रोटोकॉल्स है, उसकी बात करेंगे. फिर कुछ हार्डवेयर लेवल की आपकी हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक्स आती है, अच्छे, तो जिसमें हम बात करेंगे स्टैकिंग कहाँ पे एप्लीकेबल है, वीएसएस कहाँ पे है आपकी, वर्चुअल स्विचिंग और एसएसओ आपकी, ये जो नॉन स्टॉप फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है आपका, यूजिंग स्टेटफुल स्विच ओवर, इसकी बात करेंगे. स्टैकिंग एक टेक्नोलॉजी आती है स्टैक वाइज, उसकी बात करेंगे. एंड और क्या है इसके बाद, यस, तो यही है. फिर वीएसएस डिटेल में रहेगा और एनएसओ एंड एसएसएफ डिटेल में रहेगा. तो आई गेस ये है कंटेंट हमारे पास. तो जो फर्स्ट वीडियो हमारे पास रहने वाली है वो रहेगी इंट्रोडक्शन टू योर एफएचआरपी, ठीक है. तो ओके, इसे शुरू ही कर लेते हैं ना. तो 3 मिनट के लिए क्या एक वीडियो रखना अलग से. तो व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी, है ना. तो ये देखिए कि मान लो अगर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हो आप, कि आपके पास एक कोई भी नेटवर्क है और जिसमें आपको इंटरनेट यूज करना है ना. तो जब से सबसे जो कॉमन एग्जाम्पल है वो यही है कि आपके पास एक राउटर है, जो ब्रांच राउटर किससे जुड़ा होगा, आपके आईएसपी से जुड़ा होगा. और यहाँ पे आपका डिपेंडिंग अपॉन योर साइज एंड स्केल ऑफ नेटवर्क, कि कितने आपके पास एएस है, कितने डीएस है, फिर कितने उसके हिसाब से कितने सीएस एंड ऑल. तो अल्टीमेट आइडिया वही है कि वो एग्रीगेट होके तो एक कोर पे ही आएंगे, है ना. तो मैंने यहाँ पे एक स्विच लिया, उसके साथ आगे और भी स्विचेज एंड वो हो स... आप एक्सप्लेन कर सकते हो उस नेटवर्क को ना, एक्सटेंड कर सकते हो. मान लो मैंने यहाँ पे भी स्विच लगा, कितना मर्जी बना लो यार, अल्टीमेटली तो यूजर ही रहने वाले हैं यहाँ पे, है ना. तो वो वीलैन और वो सब चल रही होंगी यहाँ पे, और जितनी भी ये आपकी ट्रैफिक आउटसाइड जा रही होगी आपकी ना. तो अगर आप Layer 3 स्विचेस यूज कर रहे हैं, तो आपका जो SVI है उसका जो आपने IP दे रखी होगी, तो वो आपके लिए डिफॉल्ट गेटवे का काम कर रहा होगा. तो फॉर एग्जाम्पल अभी मैं यहाँ पे सिंपल रख रहा हूँ एक सिनेरियो, कि ये मेरी IP है 10.0.0.1, यहाँ पे मेरे एंड डिवाइस पे IP है 10.2, यहाँ पे 10.3, और आपके इवन थाउजेंड ऑफ डिवाइसेज हो सकते हैं, पर ये जो गेटवे यूज कर रहे हैं वो आपका है 10.1. पर दिक्कत क्या है इस वाले सिनेरियो में, कि अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है, दिस एंड आईएसपी साइड, दिस एंड विच इज योर लिंक बिटवीन आईएसपी एंड योर ब्रांच राउटर टू, और इन हियर ये पोर्ट या फिर ये राउटर इटसेल्फ, दो तीन कंडीशन आती है जिनकी हम बात करेंगे कि फेलियर अगर कहाँ पे होता है तो क्या इम्पेक्ट पड़ता है आपकी नेटवर्क की एक्सेसिंग पे, और इंटरनेट को जो एक्सेस कर रहे हो आप
उसकी रीचेबिलिटी और ये सब बातें, मतलब कि जो यूजर्स हैं वो कितने इम्पैक्ट हो रहे हैं आपके। तो हाई अवेलेबिलिटी बोलती है कि क्या आपके पास कोई और एक एज अ बैकअप डिवाइस अवेलेबल है यहाँ पे विच कैन टेक ओवर द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस एक्चुअल यू नो मेन डिवाइस इन केस ऑफ अ फेलियर। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी दिक्कत आती है तो क्या जो आपकी ट्रैफिक है वो ऑटोमेटिकली किसी और डिवाइस पे जा सकती है जो कि आगे ISP से जुड़ा हो, सेम ISP से या अलग ISP से, मतलब आपका इंटरनेट चलता रहे, आपका काम हैम्पर ना हो। तो दैट इज नोन एज वन एग्जाम्पल, दैट इज वन एग्जाम्पल ऑफ हाई अवेलेबिलिटी। बाकी और भी चीजें हैं, टेक्निक्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आई गेस ये आपको अंदाजा समझ, जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना कि यार कोई एक सर्वर हो आपके पास, जैसे DHCP सर्वर है आपका, और एक DHCP सर्वर है, अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो जितने भी क्लाइंट्स होंगे सबके पास नेक्स्ट उस दिन तो IP रहेगी। फॉर एग्जाम्पल चलो कि भाई कैश मेमोरी में स्टोर है, अगले दिन जब आएंगे मान लो उस टाइम अगर आपके DHCP में दिक्कत है तो, या फिर रिस्टार्ट करेंगे सर्विस को या फिर डिवाइस को, तो आपको DHCP से IP नहीं मिलने वाली है। तो अच्छा हो कि इसके पैरेलल में एक और DHCP सर्वर आपका काम कर रहा हो, मतलब इसको कुछ हो खुदा न खास्ता तो ये टेक ओवर कर ले उसको। तो ये होती है हाई अवेलेबिलिटी आपकी, है ना, HA टेक्निक्स। डिवाइस के लेवल पे भी आप कर, जैसे ये एग्जांपल मैंने दिया तुम्हें, ये डिवाइस के लेवल की हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक है, ये भी डिवाइस के लेवल की HA टेक्निक है। लिंक के लेवल की भी हो सकती है, अगर आपको ध्यान हो हमने ईथर चैनल पढ़ा था, अभी CCNP में ही पढ़ा था स्विचिंग में, कि भाई एक स्विच हुआ और दूसरे स्विच से जब ये जुड़ता है तो एक ही लिंक से अगर जोड़ोगे अपलिंक से, अगर ये इसको कुछ होता है इस लिंक को तो आपके पास कनेक्टिविटी ब्रोकन। तो इसलिए आप क्या करते हो मल्टीपल यूज करके लिंक और उसके अंदर ईथर चैनल पोर्ट चैनल क्रिएट करते थे, तो वो लिंक लेवल की आपकी एक हाई अवेलेबिलिटी टेक्निक है। इसको हम यू नो ये बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, ये मैं अभी नहीं इसका सस्पेंस खराब करना चाहता, करेंगे इसको डिस्कस एक मेजर पॉइंट पे आके, पर ये बहुत बहुत सच है। बहुत हद से ज्यादा अगर आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाते हो अपने डे टू डे लाइफ या नेटवर्क में तो वो भी चीजों को अफेक्ट करती है ना, वो भी अनसिक्योर बनाती है, ये पैराडॉक्स है काइंड ऑफ। चलिए और क्या बात है फिर आपकी HA को लेके, रिकवरी इन वन मॉड्यूल डजेंट अफेक्ट अदर मॉड्यूल। तो ये भी हम प्रैक्टिकली समझेंगे इस बात को, तो ये बहुत सच बात है HA को लेके, कि आपका जो फॉल्ट टॉलरेंस है दैट इज शिफ्टेड और यू नो रिस्ट्रिक्टेड, शिफ्टेड तो नहीं कहूंगा, टू जस्ट वन मॉड्यूल, बाकी जो मॉड्यूल्स होंगे आपके नेटवर्क के तो वो क्या रहेंगे आपके अनअफेक्टेड। तो ये एक अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। और क्या है कि अलग अलग तरह के HA टेक्निक्स के लिए अलग अलग तरह की यू नो आप टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हो इन डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड डिफरेंट यू नो ब्रांचेस, ब्रांचेस तो नहीं कहूंगा, पार्ट्स भी नहीं कहूंगा, लेयर्स कह सकते हो ना, कि डिफरेंट जो लेयर्स हैं आपकी नेटवर्क नेटवर्किंग की, हर जगह आप अलग अलग तरह से यू नो कहीं पे डिवाइस के लेवल की, कहीं पे लिंक के लेवल की, कहीं पे आप यू नो प्रोटोकॉल के लेवल की। जैसे IGP है उसके पास बेस्ट पाथ सिलेक्शन मैकेनिज्म है, तो अगर जो करंट बेस्ट पाथ है वो अगर डाउन होता है तो OSPF EIGRP सबके पास क्या है एक यू नो सेकंड बेस्ट पाथ को फर्स्ट बेस्ट पाथ सेलेक्ट करके राउटिंग टेबल में जगह देने का प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसे ही हमने FHRP की बात की है कि वो किस तरह से काम करती है। हाँ ये एक बड़ा ही अच्छा यहाँ पे इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है, कि जैसे मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया था राउटर का, इन केस अगर आपके पास ये जो स्विचेज है एक्सेस यहाँ पे यूजर्स हैं और ये जुड़े हैं आपके DS और फिर ये जुड़ा है CS, तो ये Layer 3 स्विच ही आपको इंटरनेट तक लेके जा रहा है, यहीं पे आपको यही मान लो आपकी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा, मतलब आपको बाहर जाने का रास्ता ये दिखा रहा, आगे फायरवॉल है या राउटर जो भी है। तो ये जो आपका कोर होगा, जो आपका गेटवे बनेगा, तो ये आपका रूट ब्रिज भी होना चाहिए इन केस ऑफ आर STP, बिकॉज सारी जो प्रोसेसिंग कौन करने वाला है ये, और अगर ये किसी नॉर्मल स्विच को आपने बना दिया इट विल क्रैश डाउन। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है, करेंगे बात इनने की। अच्छा जी ये मैंने तुम्हें बताया है अभी, इसी की हम बात कर रहे थे। तो कोई बैकअप होना चाहिए आपके पास, कितने बैकअप हो सकते हैं ये भी डिपेंड करेगा कि डिफरेंट FHRPs हैं। अच्छा यहाँ पे आ गई FHRP की पर्टिकुलर, अब जो HA टेक्निक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे वो FHRP की ही बात करेंगे, ठीक है, फर्स्ट होप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल की। तो कितने राउटर आप एक ग्रुप में लगा सकते हो, कौन सी प्रोटोकॉल्स हैं, किसकी क्या लिमिटेशंस हैं, यू नो एडवांटेजेस हैं, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जी क्या कह रहा है, एंड डिवाइसेस डोंट नॉर्मली रूट इन टू नेटवर्क, है ना, दे डिफॉल्ट टू देयर गेटवे। तो वेन एवर दे वॉन्ट टू टॉक टू सम डिवाइसेस इन डिफरेंट नेटवर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंटरनेट पे जाना है तो वो तो आपसे अलग है ना, तो आप अपने नेटवर्क में ट्रैफिक थोड़े भेजोगे सेम लैन में, नो यू विल वॉन्ट योर ट्रैफिक टू गो आउटसाइड यू नो इन द वैन इन द इंटरनेट। तो आपको कहाँ जाना पड़ता है, आपके गेटवे पे, और जनरली ये कौन होता है आपका राउटर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डिफॉल्ट गेटवे। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं बहुत बार। तो अगर ये गेटवे डाउन होता है आपका राउटर या वो स्विच डाउन होता है तो कनेक्टिविटी टू अदर साइड्स ऑफ द नेटवर्क इज लॉस्ट, ऑब्वियसली है ना, यही हम बात कर रहे हैं, यही हमें बचाना है इस चीज से नेटवर्क को। इस तरह के फेल ओवर के केसेस में FHRP अलाउ करता है किसी और डिवाइस को कि वो टेक ओवर कर ले
और हमारे लिए गेटवे का काम करने लगे जब हमारा प्राइमरी गेटवे डाउन हो जाए। तो ट्रांसपेरेंट रहेगा, इसको मतलब पता भी नहीं चलेगा एंड होस्ट को कि क्या ऐसा कुछ हुआ है, नेटवर्क डाउन हुआ है, इसको तो गेटवे से मतलब है, और ये गेटवे नहीं तो कोई और, भाई हमें तो गेटवे चाहिए, ट्रैफिक बाहर ले जाने का रास्ता चाहिए कोई भी हो, राइट। तो ये ट्रांसपेरेंट है, नो नीड फॉर ड्यूअल गेटवेज इन डीएचसीपी। हाँ ये एक अच्छा पॉइंट है, मतलब कि डीएचसीपी में हम क्या देते थे, डिफॉल्ट गेटवे आपने मान लो 10.1 प्रोवाइड किया था, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे इसी पे आप आ जाओ, मैं अगर प्रीवियस एग्जाम्पल की बात करूं कि ये वाला मान लो मेरे पास एक और राउटर होता और ये यहाँ पे भी इंटरनेट का कनेक्शन होता, ठीक है, और ये भी जुड़ा होता, तो एक आपके पास इंटरनेट की लाइन ये अवेलेबल है जिसका गेटवे है 10.1, अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ, ये वाला तो 10.1 दे दिया, इधर आपने 192.168 10.2 दे दिया। तो आपको ऐसा नहीं करवाना है कि डीएचसीपी में दो गेटवे दे दोगे कि भाई ये अप है तो ये ठीक है, नहीं तो ये डाउन हुआ तो ये ना, ये भी जरूरत नहीं है आपको। तो एफएचआरपी हमें बहुत एक पावरफुल मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाती है जिसका हम डिस्कस करने वाले। तो करती क्या है ये एक्चुअली हमारे लिए, एग्रीगेट टू और मोर फिजिकल गेटवे इन अ सिंगल वर्चुअल गेटवे, ठीक है। तो ये आपको हम करेंगे लैब इसको, चलो देख लेंगे कि भाई जैसे दो राउटर होंगे या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम एग्रीगेट करके एक सिंगल राउटर बना सकते हैं, एंड वी कैन बाइंड इट आउट ऑन योर स्विचेस। मेरे को हैबिट नहीं हुई अभी इसको पैन क्यों यूज करने की, देखते हैं इस वाली वीडियो में हो जाएगी तो, है ना। चलिए एनीवे, तो आईपी ओवर इथरनेट रोल ऑफ एआरपी एंड मैक, ये हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि जब भी आप लैन कम्युनिकेशन करवाते हैं, इवन जब भी आप वैन या इंटरनेट कम्युनिकेशन भी करवाते हैं, तो एआरपी हेल्प्स यू। अगर आप लैन में हैं तब तो लेट्स से ये एक स्विच हुआ आपका, यहाँ पे आपके डिवाइसेज हैं एंड डिवाइसेज, यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन करवाना है, या फिर आपको बाहर जाना है, तो कुछ भी हो आपको अपने डेस्टिनेशन का मैक पता होना चाहिए। और जब भी आपके पास डेस्टिनेशन का मैक नहीं होता, विच प्रोटोकॉल कम्स फॉर योर सेविंग लाइक अवेंजर, तो दैट इज योर आर्प। तो आर्प इज काइंड ऑफ अवेंजर फॉर नेटवर्किंग, है ना। तो ये आती है पिक्चर में और ये कहेगी कि ठीक है, यू आर इन नीड ऑफ समथिंग, आई विल हेल्प यू, एंड व्हाट इज दैट नीड, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो ये जाएगी सुपरमैन की तरह और आपको डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस ला के देगी एआरपी, राइट। तो उस तरह से आपका ये काम होता है। पर अब अगर यहां पे थोड़ा मैं इसको रिलेट करूं एफएचआरपी से तो क्या होता है, तो ये वैसे लैब में ही आएगा वैसे तो ये, पर फिलहाल चलो देख लेते हैं कि यहां पे किस तरह से वो एप्लीकेबल है। मान लो मैंने ये ले लिया, एक ये इंटरनेट की लाइन है आपके पास ISP 1, एक ये इंटरनेट की लाइन है आपके पास ISP 2, तो अब ये आप एग्रीगेट करवा रहे हैं सेम नेटवर्क, तो दैट्स व्हाई ये 10.1 इधर है, 10.2 आपका, और ये आपके बैकअप के कनेक्शंस है ना। तो ये हमेशा ऐसे डिजाइन होता है, जो डीएस और सीएस है ना, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच एंड कोर स्विच, वो आपको हमेशा रिडंडेंट मिलेंगे ही मिलेंगे जब भी आप प्रैक्टिकली किसी नेटवर्क के डिजाइन की बात करोगे। तो इस पर भी शायद मैं एक वीडियो सीरीज लाऊंगा जल्दी ही, जो हमने स्विचिंग पार्ट में आई गेस मिस कर दी थी इनिशियली, तो मैंने अभी एक पीडीएफ प्रिपेयर कर रखी है, उसकी भी करेंगे डिस्कस, ये सारी बातें हम वहां पे करेंगे। और आई गेस इसी सीरीज में भी है शायद इसका बहुत सारा जिक्र, तो वीएसएस में और स्टैकिंग में, तो करते हैं देखते हैं कितना इसके अंदर कितना अलग से करना पड़ेगा। बट एनीवे, तो ये नेटवर्क डिजाइन ऐसा रहता है जनरली, पर हमारे काम की फिलहाल जो चीज वो क्या है कि भाई इसके लिए ये एक बाहर जाने का रास्ता है, और इसके लिए भी मतलब मेरी प्राइमरी जो ISP है वो ISP 1 है, और ISP 2 मेरी क्या है, बैकअप। दिस इज माय प्राइमरी ISP एंड दिस इज माय लेट्स से बैकअप है। तो मान लो मैंने ये आपका 100 MB का लिंक ले रखा, ये मैंने 10 MB का लिंक ले रखा, तो ऑब्वियसली ये बैकअप है ना। तो इन केस अगर कुछ इसको होता है, तो अब मैं इस पे अगर फॉर एग्जाम्पल इम्प्लीमेंट कर देता हूँ FHRP कि भाई अब मैं, क्योंकि देखो शायद मैंने बनाया होगा डायग्राम, अगर ये गेटवे डाउन होता है ना तो फिर कहाँ से जाएगी ट्रैफिक, तुम्हारी कोशिश कहाँ से जाने की करेगी, 10.2 से, जो आपकी यहाँ पे सेकेंडरी बैकअप वाली ISP लगी थी, लेकिन गेटवे तो अभी भी कौन है, 1 है ना, तो ये तो इधर से ही जाने की कोशिश कर रहा है, ये तो डाउन है, तो आपको अनरीचेबिलिटी यहाँ पे, अब इंटरनेट तक जा ही नहीं पाओगे तुम अनटिल अनलेस आप मैनुअली या DHCP से इस गेटवे को चेंज कराओ, और वो आपको करवाना नहीं, मैंने बता दिया। उसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे, FHRP। तो यही सब बातें हमने यहाँ पे अगर आप देखोगे लिखी हुई है, ट्रैफिक यहाँ से जाने की कोशिश करेगी, आपके पास पाथ नहीं है क्योंकि आपने गेटवे को .2 करना पड़े, वो तो हाँ अगर मैंने बताया मैनुअली कर दोगे तो अलग, पर हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है, इनको एज अ वर्चुअल गेटवे बनाना है। तो
इन डिवाइसेस के लिए, जैसे लिखा था ना पीछे, ट्रांसपेरेंट रहेगी एफएचआरबी। कैसे? इनको ये नहीं बताओगा कि दो अलग अलग आपके पास गेटवेज हैं, नहीं, इनको लगेगा कि मेरे पास एक ही गेटवे है। और अब ध्यान से देखो, 10.1 था यहाँ पे, उसको मैंने गेटवे नहीं लिया, 10.2 को मैंने गेटवे नहीं लिया। गेटवे कौन बनाए? एक अलग से मैं आईपी चुनूंगा, इसको बोलते हैं वर्चुअल आईपी, जो कहीं भी और नेटवर्क में यूज नहीं होगी, ये सेपरेट रिजर्व आईपी होती है। जब आप आईपी का प्लान बना रहे होते हैं ना, डीएचसीपी या सबनेट्स का, तब ये पहले ही आपको पता है कि आपको अगर एफएचआरपी यूज करनी है, जो भी प्रोटोकॉल यूज करना, उसके हिसाब से आप एक आईपी रिजर्व। हाँ, वीआरआरपी में आप एक जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे भी आईपी, उसको भी खैर यूज कर सकते हो, पर इट्स गुड कि आप एक अलग सेपरेट आईपी रखो। तो ठीक है, दैट डिपेंड्स। तो अगर पब्लिक आईपी का केस है, आईपी बचानी है, तो कई सारे सिनेरियो आते हैं, तो हमने आगे जिक्र किए उसके। फिलहाल इजी रखते हैं इसको, सिंपल रखते हैं। एक आईपी हमने रिजर्व कर ली और वो यहाँ पे यूज होगा आपके एंड डिवाइसेस के लिए एज गेटवे। ये है एक आपको सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, गेटवे ना ये होगा ना ये होगा, वर्चुअल आईपी होगी। अब जो वहां पे बात लिखी थी आर्प और ग्लू ऑफ इथरनेट एंड ऑल, उसका मतलब क्या था कि अब जब आपको बाहर जाना है यहां से या यहां से, अब ये तो इनको पता है, आपको नहीं पता, आपके लिए तो सिंगल गेटवे है, यहां पे जाओगे तो आपकी जो आर्प रिक्वेस्ट होगी उनका रिप्लाई कौन करेगा? मैक एड्रेस किसका आएगा, इस गेटवे का या इस गेटवे का? सोचने वाली बात है। यहाँ पे होते हैं आपके मेन एंड बैकअप राउटर के सिलेक्शन। जैसे मैं एचएसआरपी की बात करूं, तो उसमें एक्टिव मेन राउटर को बोलते हैं और स्टैंड बाय आपके बैकअप वाले राउटर को बोलते हैं। मतलब ये आपका वो राउटर होना चाहिए जो आपकी मेन आईएसपी से जुड़ा है, और ये वो होना चाहिए जो आपकी बैकअप आईएसपी से जुड़ा है। तो आपको रिप्लाई कौन करेगा, राउटर जो एक्टिव होगा? तो इसका जो मैक एड्रेस, खैर ये नहीं, वो आपका वर्चुअल मैक ही होता है, वी मैक, उसको यूज करके आप यहां तक पहुंचोगे एक्टिव तक, और एक्टिव आपको बाहर लेके जाएगा। अगर ये डाउन होता है तो इनके बीच में टाइमर चलते रहते हैं, जैसे ओएसपीएफ और उस समय होता था हेलो टाइमर, और कुछ हेलोज के बाद अगर रिप्लाई नहीं आता तो ये तैयार बैठा है कि इधर जैसे जैसे ये एक्टिव डाउन हो, मैं क्या बन जाऊंगा, एक्टिव बन जाऊंगा स्टैंड बाय की जगह, मतलब प्रमोट हो जाएगा अभी, इट विल बी न्यू एक्टिव। तो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली विदाउट यू डूइंग एनीथिंग एल्स ऑन हियर, इट विल शिफ्ट टू योर बैकअप आईएसपी। तो दिस इज द ब्रिलियंस दैट दिस एफएचआरपी ब्रिंग्स अस, यू नो, फॉर गेटवे रिडंडेंसी प्रोटेक्शन। और अगर आप यही बात करते हो वीआरआरपी के केस में, तो ये मास्टर स्लेव की बात होती है यहाँ पे। और तो ये हम करेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज है किस किस प्रोटोकॉल के अंदर। चलिए जी, तो जी यही सारा हमने यहाँ पे किस्सा लिखा हुआ है कि भाई ये जो जितनी बातें हैं, हमने सेपरेट प्रोटोकॉल्स के ऊपर अलग अलग स्लाइड्स है तो ये लिखा है। अच्छा, ये जो दो लिखा है, इसका मतलब दो, ऐसा नहीं है कि दो ही राउटर आप यूज कर सकते हो, नहीं, कि स्टेट्स की जब हम बात करेंगे ना, एचएसआरपी, वीआरआरपी, जीएलबीपी और ये सब, उसमें देखेंगे एक होती है एक्टिव राउटर, एक होता है आपका स्टैंड बाय राउटर, ये स्टेट भी होती है एफएचआरपी की, और एक होता है लिसन, लिस्निंग स्टेट में। तो ये तो बन चुका है मेन राउटर, ट्रैफिक यहीं से मेन जाएगी। स्टैंड बाय जो वेट कर रहा है, अगर ये डाउन होगा तो मैं इंटरनेट को डाउन नहीं होने दूंगा, मैं एक्टिव काम करने लगूंगा। तो एक ग्रुप में एचएसआरपी एंड वीआरआरपी में यही हो सकते हैं आपके, एक्टिव एंड स्टैंड बाय दो रख सकते हो। लिसन में तो जितने मर्जी रख लो यार, इससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जो जीएलबीपी है उसमें आप ऐसे चार रख सकते हो कि तीन रहे, एक रहेगा एवीजी, एक्टिव वर्चुअल गेटवे, और फिर तीन रहेंगे आपके एवीएफ, एक्टिव वर्चुअल फॉरवर्डर, चार। एक्चुअल में ये भी फॉरवर्डिंग का भी काम करेगा, तो आप अपनी चारों ट्रैफिक यूज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट जो अच्छा है, एचएसआरपी और वीआरआरपी में ना लोड बैलेंसिंग नहीं होती। कैसे? अगर मान लो ये आपकी 100 MB की लाइन है, ये आपकी 20 MB की लाइन है, तो 100 MB से ही इंटरनेट चलेगा, या तो जब तक ये अप है, ये डाउन हुआ तो सिर्फ 20 से चलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा, अगर दोनों ही को हम यूज करना चाहें कि भाई कुछ ट्रैफिक मेरी इधर से चली जाए मेन, और कुछ मेरी इधर से चली जाए, तो 120 MB यूज कर पाऊंगा, नहीं, एचएसआरपी वीआरआरपी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर अगर आप जीएलबीपी यूज करते हैं, तो मान लो 100 MB की लाइन ये थी, 50 MB की ये थी, 20 MB ये है, 10 MB की लाइन ये है, तो 170 80, टोटल 180 आप यूज कर सकते हैं एंड पॉइंट पे। तो होगा क्या, कुछ हम क्यूइंग के मैकेनिज्म यूज करेंगे, क्यूइंग, If I can say that right, sinus problem, you know that. तो हम क्या करेंगे, कुछ जो यूजर है बेस्ड ऑन दोज क्यूइंग एल्गोरिदम, जैसे राउंड रॉबिन है आपका, वेटेड एल्गोरिदम में बात करेंगे, कुछ यहाँ से चले जाएंगे, कुछ यूजर यहाँ से जाएंगे, कुछ यूजर यहाँ से, तो चारों ही आप यूज। तो एक बहुत बेहतरीन फीचर आपका किसके अंदर है, लोड बैलेंसिंग का, गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने समझा है, अभी वर्चुअल मैक की बात की है जो आपके आर्प के रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा,
एक्टिव फिजिकल राउटर रहेंगे जो आर्प को रिस्पॉन्स कर रहा है, और ये अच्छा यही रिस्पॉन्स करेंगे, और बदले में क्या प्रोवाइड करवाएंगे आर्प की रिप्लाई में, वर्चुअल मैक। चलिए, तो होस्ट को कॉन्फ़िगर किया जाएगा डिफॉल्ट गेटवे विद वर्चुअल आईपी। अब डॉट वन डॉट टू नहीं थे, अब की बार हमने जो रिजर्व की थी एज ए गेटवे आईपी वो रहेगी। ठीक है, कीप अलाइव एक्सचेंज करते रहेंगे ताकि उनको हेल्थ ऑफ नेटवर्क पता चलता रहे, स्टैंड बाई को पता चलता रहे कि एक्टिव अप है या नहीं है। ओके, फिर अगर आप बात करते हैं आगे, तीन प्रोटोकॉल है और एक है एचएसआरपी, एक है वीआरआरपी और एक है जीएलबीपी। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया मैंने दिया है, कुछ यहाँ पे मैं लिख के भी रखा है मैंने शायद। अगर आप देखोगे एचएसआरपी का ओवरव्यू, तो ये आपकी सिस्को की प्रोप्राइटरी है, सिर्फ सिस्को की, अगर दोनों साइड राउटर है दोनों या चारों तभी चलेगी। जीएलबीपी भी सिस्को की प्रोप्राइटरी है और पोर्ट नंबर ये यूज करता है, यूडीपी पे चलती है ये सब, है ना, और 224.0.0.2 मल्टीकास्टिंग के लिए यूज करता है, यू नो वो आपका जब आइडेंटिफिकेशन और ट्राई टू फाइंड आउट, तो उस सब के लिए यूडीपी पोर्ट नंबर एंड मल्टीकास्ट आईपी। एक्टिव स्टैंड बाय का यूज करता है, कोई लोड बैलेंसिंग नहीं होती। ट्रैक का हम आगे बढ़ेंगे, अभी मैं थोड़ा डिस्कस नहीं कर रहा ट्रैक को। ट्रैक वैसे ये होता है कि जैसे आपका ये वाला राउटर आईएसपी से जुड़ा है, तो आपको अगर यहाँ पे कोई दिक्कत आती है राउटर में, तो दूसरे को पता चल जाएगा कि हाँ यार ये राउटर डाउन है तो ये एक्टिव नहीं है, तो मैं स्टैंड बाय से एक्टिव बन जाऊं। पर अगर यहाँ दिक्कत है तो यहाँ तो एचएसआरपी चल रही है, ये तो एक्टिव है, ये थोड़ा ना डाउन होगा, तो इसको कैसे पता चलेगा कि उधर नेटवर्क डाउन है। तो उसके लिए हम कुछ ट्रैक की कमांड आती है, कुछ इनबिल्ट होते हैं, कुछ हमें बनाने पड़ते हैं, तो हम करेंगे डिस्कस आगे। एक्टिव राउटर का क्या काम है, सारी ट्रैफिक फॉरवर्ड करना। स्टैंड बाय का क्या क्या है, वो बस देखता रहेगा कि कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्टिव अप है कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो फिर आपका उसका काम करने लगेगा एक्टिव का, ये नया एक्टिव बन जाएगा। चलिए, फिर आपका कौन सी आ गई, वीआरआरपी का ओवरव्यू। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब IEEE की डिजाइन है, कोई मर्जी राउटर हो, सिस्को के हो, जुनीपर के हो, हुआवे के हो, सब पे चलेगी। और आईपी प्रोटोकॉल 112, अच्छा ये खुद का आईपी प्रोटोकॉल पे काम करती है, ये आपकी यूडीपी पे नहीं चलती, ये इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। और ये आपकी मल्टीकास्ट आईपी यूज करती है। उसमें क्या था, एक्टिव और स्टैंड बाय, इसमें है मास्टर एंड स्लेव नहीं, जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था वो स्लेव, इट वाज मिस सेड वर्ड, दिस इज बैकअप। तो प्राइमरी राउटर इसमें मास्टर कहलाएगा, और जो सेकेंडरी या बैकअप वाला है उसको बैकअप राउटर ही बोलते हैं। तो काम वही है, बाकी तो ऐसा कुछ इसमें अलग नहीं है। फाइनली आपका जो आता है वो है जीएलबीपी, तो ये भी सिस्को की ही प्रोप्राइटरी है। ठीक है, तो ये यूडीपी सिस्को वाली यूडीपी पे ही चलती है, पोर्ट नंबर अलग रहेंगे, मल्टीकास्ट आईपी अलग रहेगा। एवीजी एवीएफ क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। वैसे एवीजी वो होता है जो आपके लिए गेटवे का काम करेगा, तो आप कहाँ पे एज ए गेटवे किसको यूज करेंगे अपना, और इसकी अब आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी ट्रैफिक को इस पे शिफ्ट करे, आपकी ट्रैफिक को इस पे शिफ्ट करे या इस पे शिफ्ट करे, है ना, आपको तो अपने गेटवे पे भेजेंगे। चलिए जी, तो ये कुछ एडवांस फीचर्स भी रहेंगे जिनकी हम बात करेंगे आपकी एफएचआरपी के अंदर। ऑथेंटिकेशन कैसे करनी है, आपका प्रियम्पशन का क्या यहाँ पे वजूद है और क्या इम्पोर्टेंस है, और ग्रुप्स पर इंटरफेस की एफएचआरपी में, जैसे एचएसआरपी और वीआरआरपी मैंने क्या बताया कि इनमें लोड बैलेंसिंग नहीं होती, पर कुछ वर्क अराउंड्स हैं जिनको हम यूज करके लोड बैलेंसिंग करवा सकते हैं। फिर ट्रैकिंग का मैंने बताया, ये भी तो काफी सारी चीजें रहेंगी। ये क्या हो गया, अब आई डोंट नो व्हाई आई पुट दिस स्लाइड हियर, तो इट शुड नॉट बी हियर डेफिनेटली, तो ये कहीं ना कहीं और होनी चाहिए थी, मैं देखता हूँ इसको करता हूँ एडजस्ट सही जगह पे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, मस्त रहिए। मैं आपसे मिलता हूँ आई गेस अगली वीडियो में, क्योंकि ये लास्ट स्लाइड ही होगी ना। हाँ ठीक है, तो अगली वीडियो में हम एचएसआरपी को डिटेल से जानेंगे, लेट्स सी उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट हो पाएगा या लैब भी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय एंड टेक।